हाय गाइज, मैं अभिनय पूरे उत्साह और उमंग के साथ अपने एक नए मैश चैनल अभिनय मैश पे आप सबके लिए हाजिर हूँ। इसका पर्पज़ ये था कि जब मैंने अपने YouTube पे वीडियो डालना स्टार्ट किया, लोगों को इतना ज़्यादा पसंद आया, इतने सारे मुझे व्यू मिले, लगभग मेरी सारी वीडियोज पे 1 मिलियन व्यू होने वाले हैं। 8-10 वीडियो मैंने डाली, आपको इतना पसंद आया, इस वजह से मैंने सोचा कि अब बच्चों की यही शिकायत है कि आप रोज़ वीडियो नहीं डाल पा रहे। उसकी वजह है कि वो प्लेटफॉर्म हमने इतना बड़ा बना दिया कि हम बहुत सारे लोगों को भी थोड़ा थोड़ा टाइम दे रहे हैं इंग्लिश के लिए और भी चीज़ें, तो रोज़ मैथ्स पे आना उस चैनल पे पॉसिबल नहीं था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम एक एक्सक्लूसिव मैथ्स चैनल बनाएं जिस पर मैं रोज़ आपको वीडियो प्रोवाइड करूँ, भले ही लाइव सेशन कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, संडे में शूट कर लूँ, हर दिन आपको स्टफ मिलता रहे जिससे आप पढ़ते रहो, मेंस भी नज़दीक आ रहा है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने ये चैनल स्टार्ट किया है जिसमें हर दिन आपको कोई ना कोई वीडियो मिलेगी और मैं इतना सारा एक टॉपिक में कंटेंट दूंगा कि आगे आने वाले 10 सालों तक आपको उस टॉपिक को दोबारा देखने की जरूरत नहीं। पूरा मैं कंप्लीट पढ़ा दूंगा, एक एक छोटी से छोटी बात मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है, कुछ भी नहीं बचेगा जिससे बाहर पेपर में कुछ आएगा। तो इन सारी चीज़ों के साथ हम आज एक इस नए चैनल पर मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं आपके लिए कुछ दे पा रहा हूँ। तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना है क्योंकि जो लोग दूर हैं, यहाँ तक नहीं पढ़ने आ सकते, वो आराम से घर बैठ के फ्री पढ़ सकें। बिल्कुल आपको ऐसे फीलिंग आएगी जैसे मैं क्लास में पढ़ा रहा हूँ। कुछ भी, मेरा टारगेट यही है कि भाई आप प्री में 50 में 50 मार्क्स लेके आएँ और मेंस में आप 200 में 200 मार्क्स लेके आ पाएँ, ठीक है। मैं खुद आपको अपने बारे में बता देता हूँ, 200 मार्क्स थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि लक का खेल है। मैं खुद CGL में 5 बार सेलेक्टेड हूँ, 5 टाइम्स, हर बार इंटरव्यू पोस्ट के लिए सेलेक्ट हुआ हूँ। 2016 में भी मुझे AO की पोस्ट मिली है और मैथ्स में लगातार मेरे 197.5 मार्क्स आ रहे हैं। कुछ लोगों को ये कन्फ्यूजन रहता है कि यार आप, हम आपको देख नहीं पा रहे, तो मैं रोल नंबर भी इस बार का तो दे देता हूँ, मुझे याद है, ताकि आप चेक कर सकें कि कितने मार्क्स आ रहे हैं, कैसे कैसे सिलेक्शन होता है, ये सारी चीज़ें। तो मैं बताता हूँ आपको कि 197.5 मार्क्स बहुत बड़ी बात नहीं है, पता है, कुछ भी पाया जा सकता है, 200 मार्क्स भी लाए जा सकते हैं। आप डरते हैं, आप जो पढ़ रहे हैं अभी तक, मैंने देखा जो आप पढ़ रहे हैं उसकी वजह कि आपको भी सारा कंटेंट ही आपके पास नहीं है, इसीलिए आप 150-160 मार्क्स तक रुक जाते हैं। लोगों को कहना यार मेरे 160 से ऊपर नहीं आ रहे, सब कुछ पढ़ लिया। मैं सच बता रहा हूँ, आपने सब कुछ नहीं पढ़ा, आपने सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लिए और कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, आप SSC में अगर सिलेक्शन लेना है अच्छी बोर्ड्स के साथ तो आपको मैथ्स में 190 प्लस मार्क्स लाने पड़ेंगे। कैसे आते हैं ये आप कंटेंट देख के समझ जाओगे कि भाई ये चीज़ें थी जो हमने पढ़ी नहीं थी, छोटी छोटी गलतियां हम कर रहे थे जिसकी वजह से हम 195-197 तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं यार जो नहीं मिल सकती, मैंने पहले भी कहा है, आज भी कह रहा हूँ कि कौन कहता है कि उसका पता ही नहीं, ढूंढने की हद तक कोई गया ही नहीं, हम उस हद तक जाते ही नहीं, उतनी मेहनत हम करते ही नहीं और हमें अफसोस रह जाता है हर बार। तो मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और कम टाइम लेते हुए हम आज एक टॉपिक की शुरुआत करते हैं, ठीक है, और पूरा एंटरटेनमेंट, पूरा मोटिवेशन, टीचिंग, सारा का सारा कंप्लीट स्टेप आपको मिलेगा, ठीक है, ऐसे समझ लो मिक्स वेज, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं नंबर सिस्टम से, टॉपिक वाइज रहेंगी, वीडियो का जो कंटेंट रहेगा वो ऐसा रहेगा, नंबर सिस्टम पार्ट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, नंबर सिस्टम पार्ट 2 रिमाइंडर थ्योरम, इस तरीके से पूरा कंटेंट रहेगा, आप सर्च कर सकते हैं। जैसे आज हम नंबर सिस्टम से शुरुआत करते हैं, क्या है नंबर सिस्टम, देख पा रहे हैं सब लोग, ठीक है। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम को हिंदी में हम कहते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम से क्या पता चल रहा है आप खुद बताओ। नंबर सिस्टम से ये पता चल रहा है कि नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए जिस सिस्टम का हम यूज करेंगे उसको हम नंबर सिस्टम कहते हैं, और नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे सिस्टम होते हैं, जैसे डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम एक नंबर को रिप्रेजेंट करने का सिस्टम है जिसको हिंदी में हम कहते हैं दशमलव सिस्टम, दशमलव पद्धति, यह भी नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने का एक सिस्टम है। बाइनरी सिस्टम,
इस बार एसएससी ने प्री में ये सब भी पूछा कि बाइनरी से डेसिमल कैसे बना सकते हैं, तो ये कन्वर्जन भी मैं आपको सिखाऊंगा। आगे आने वाले टाइम में भी ऐसे सवाल आएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने नंबर सिस्टम दिया है टॉपिक, तो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि वो कहाँ तक पूछ सकते हैं। आप खुद मुझे बताओ, अगर मुझे 1500 मीटर की रेस जीतनी है सीपीओ में, तो मैं तैयारी कितने की करता हूँ? लगभग 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर की करता हूँ या नहीं करता हूँ? ऐसे आपको मैथ्स में भी चलना पड़ेगा। अगर नंबर सिस्टम पढ़ना है तो उसके आउटर जितनी सारी चीज़ें हो सकती हैं उन सबको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, तभी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डेसिमल सिस्टम की जरूरत है। बाइनरी सिस्टम होता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं द्विआधारी पद्धति, ऑक्टा डेसिमल सिस्टम, हेक्साडेसिमल सिस्टम। तो इतने सारे सिस्टम नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं, लेकिन जो हमें नंबर सिस्टम में बेसिकली पढ़ना है या जिससे हमारे पेपर में सवाल आएंगे मैक्सिमम, वो है डेसिमल सिस्टम। तो डेसिमल सिस्टम क्या है, हम इसमें कितने तरीके के डिजिट यूज कर सकते हैं, इतनी सी भी बात पूछी जा सकती है कि भाई डेसिमल सिस्टम में हम कितने डिजिट यूज करते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, हम 10 डिजिट यूज करते हैं। कौन से हैं वो 10 डिजिट, कौन से हैं वो 10 अंक, मैं हिंदी में भी लिख रहा हूँ साथ साथ, बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है कि उनको इंग्लिश में उतना समझ नहीं आता, ठीक है। तो कौन कौन से हैं वो 10 डिजिट, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो नंबर सिस्टम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डेसिमल सिस्टम का यूज करते हैं। डेसिमल सिस्टम के अंदर कितने सारे डिजिट होते हैं, 0 से लेकर 9 तक डिजिट होते हैं। इसके अलावा हमसे क्या पूछा जा सकता है कभी एग्जाम में, जैसे अब इन अंकों से हम कोई एक संख्या बना सकते हैं, जैसे हम एक संख्या बना सकते हैं 4, 5, 6, 7, ये एक संख्या बना दी मैंने इन सब डिजिट को लेकर के। अब इन संख्या में हमसे ये पूछा जा सकता है कि भाई फेस वैल्यू क्या होती है। फेस वैल्यू को हिंदी में कहते हैं अंकीय मान। बहुत आराम आराम से मैं बताऊंगा, कोई जल्दी नहीं है, इस चैनल का पर्पज है मैथ्स सिखाना, मेंस के लिए मैं जल्दी जल्दी कंटेंट्स भी दूंगा, आप इसी को फास्ट फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। अंकीय मान, जो जो चीज़ें आपको आती हैं अंकीय मान क्या होता है, जैसे अगर आपसे पूछे फेस वैल्यू ऑफ 5, तो ये 5 ही होगी, मतलब कोई डिजिट जितना होता है, जैसे 5 है तो उसकी फेस वैल्यू 5 होगी, अगर 6 है तो उसकी फेस वैल्यू 6 होगी, अगर 7 है तो उसकी फेस वैल्यू 7 होगी, अगर 4 है तो उसकी फेस वैल्यू 4 होगी, ठीक है। तो फेस वैल्यू ऑफ अगर 4 पूछा जाता है तो हम बोलेंगे 4 है, फेस वैल्यू ऑफ 6 पूछा जाता है तो 6 है, फेस वैल्यू ऑफ 7 पूछा जाता है तो 7 है। मतलब एक संख्या हमें दे के ये पूछा जा सकता है कि भाई उसकी फेस वैल्यू क्या है या प्लेस वैल्यू क्या है। तो फेस वैल्यू आप समझ गए, फेस वैल्यू का मतलब जो अंक जितना है उतनी ही उसकी फेस वैल्यू होगी, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं, इसी संख्या में अगर एक और संख्या हमने लिख ली 6, 7, 8, 3 और पूछ रहे हैं कि भाई प्लेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू का मतलब होता है स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू का मतलब है स्थानीय मान, कि भाई कौन सा डिजिट किस स्थान पे आ रहा है, उसकी वैल्यू क्या है। जैसे प्लेस वैल्यू ऑफ 7 की अगर बात करें तो कुछ नहीं करना, 7 के बाद जितने भी डिजिट है ना उन सब पे 0 आ जाए। अगर प्लेस वैल्यू ऑफ 6 की बात कर रहे हैं तो 6 के बाद जितने भी डिजिट हैं उन सब पे 0 आ जाएगा। अगर 8 की बात कर रहे हैं, 8 का मतलब 80 है, 3 का मतलब 3 है। तो आपने देखा होगा कि अगर एक 3 ही ऐसा डिजिट था जिसका प्लेस वैल्यू भी 3 है और फेस वैल्यू भी 3 था, तो जो यूनिट डिजिट होगा उसका प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू हमेशा बराबर होगा। ये तो हमने बात की कि भाई नंबर सिस्टम अगर पढ़ रहे हैं तो ये पता होना चाहिए हमें कि कौन सा सिस्टम हम इसके अंदर यूज करेंगे, डेसिमल सिस्टम। डेसिमल सिस्टम में 10 डिजिट है टोटल, उनसे हम कोई नंबर बना सकते हैं, और नंबर के अंदर फेस वैल्यू क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है, इतनी सी बातें हमने पढ़ी। आगे बढ़े, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की, ठीक है। आप मुझे बताइए किसी भी चीज को कब तोड़ा जा सकता है। जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर की बात करें, इसका मतलब है हम नंबर को तोड़ने की बात कर रहे हैं, तो किसको तोड़ा जा सकता है, जो नंबर बहुत सारे मिक्स हो, किसी मिक्स नंबर को ही तो तोड़ पाएंगे। तो एक नंबर हम लिखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नंबर है कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब है सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या, बहुत सारी संख्या मिक्स है उसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में बांटा जा सकता है।
ठीक है, क्या क्या? एक रियल नंबर, रियल नंबर बोले तो वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। एक इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर काल्पनिक संख्या। तो काल्पनिक संख्या बेसिकली सिलेबस में नहीं है, आप समझो, लेकिन फिर भी इससे सवाल पूछा जा सकता है। क्या इससे सवाल पूछा जा सकता है काल्पनिक नंबर से? इतनी सी बात ही पूछी जा सकती है कि भाई काल्पनिक नंबर क्या है। तो आई एक काल्पनिक नंबर है, एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम पढ़ते हैं आयोटा, लोटा नहीं आयोटा। आई एक इमेजिनरी नंबर है जिसको हम आयोटा पढ़ते हैं। आई स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, आई बराबर अंडर रूट ऑफ माइनस एक होता है, आई बराबर अंडर रूट ऑफ माइनस एक होता है। तो ये क्या है? इमेजिनरी नंबर है। कभी अगर इमेजिनरी नंबर के बारे में सवाल आता है तो इतनी सी बात पूछी जा सकती है कि भाई इमेजिनरी नंबर क्या है? आई जिसको आयोटा कहते हैं, आई स्क्वायर का मान माइनस एक होता है, आई बराबर अंडर रूट ऑफ माइनस एक होता है। इतनी सी बात पूछी जा सकती है। इमेजिनरी नंबर का मतलब है कि जो एग्जिस्ट नहीं करता, सिर्फ कल्पनाओं में, जैसे अब आपके कल्पनाओं में कैटरीना कैफ है, आलिया भट्ट है, ऐसे सिर्फ और सिर्फ कल्पनाओं की बात हो रही है। वास्तविक नंबर की बात करें, अगर इमेजिनरी नंबर को मैं रफ कर रहा हूँ, आप नोट कर लीजिए, ठीक है। अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर क्या है? भाई रियल नंबर जितने भी नंबर हैं माइनस इनफाइनाइट से लेकर के इनफाइनाइट तक जितने भी नंबर हैं, वो सबको हम कहते हैं रियल नंबर है, वास्तविक संख्या है। अगर रियल नंबर की क्लासिफिकेशन की बात करें तो रियल नंबर का क्लासिफिकेशन दो तरीके का हो सकता है, एक तो डेसिमल और एक इंटीजर। एक हो सकता है डेसिमल, जिसको हिंदी में बोलेंगे दशमलव, और एक हो सकता है इंटीजर, पूर्णांक। इंटीजर पूर्णांक, दशमलव और पूर्णांक। अब दशमलव आपने देखे होंगे, बहुत सारे तरीके के दशमलव होते हैं। कैसे कैसे दशमलव होते हैं आप मुझे बताओ। 0.5 भी एक दशमलव है, देख पा रहे हैं, ठीक है, 0.5 भी एक दशमलव है। 0.33333 ये भी एक दशमलव है, ठीक है। और अगर बात करें 0.12456789 फिर 24321 ये भी एक डेसिमल है। तो आप देख रहे हो कि डेसिमल कुछ में तो ऐसा हो रहा है रिपीट हो रहा है, और कुछ में रिपीट नहीं हो रहा डेसिमल। तो डेसिमल दो तरीके के होते हैं। किन किन तरीके के होते हैं, अब हम डेसिमल पे आते हैं। ये आपने लिख लिया होगा क्लासिफिकेशन, बोर्ड उतना बड़ा नहीं है, आप कॉपी पे पूरा एक ही में लिख सकते हैं हर चीज़ को, मुझे रफ करना पड़ रहा है। अगर हम डेसिमल सिस्टम की बात करें तो डेसिमल दो तरीके के होंगे, आप देख पा रहे हो कौन कौन से डेसिमल होंगे। एक तो डेसिमल होगा रिपीटिंग डेसिमल, रिपीटिंग। एक होगा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग का मतलब समझ रहे हैं? अगर नहीं समझ रहे तो मैं बता देता हूं, रिपीटिंग का मतलब है पुनरावृत्ति हो रही है, पुनरावृत्ति, ठीक है। रिपीटिंग का मतलब है पुनरावृत्ति हो रही है, और नॉन रिपीटिंग का मतलब है पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। तो रिपीटिंग डेसिमल कौन कौन से, आप मुझे बताओ, क्या हम इन तीनों डेसिमल को इन दोनों में रख सकते हैं, अलग से भी कोई बनाना पड़ेगा? तो कुछ लोगों को लग रहा होगा यार 0.5 को रख पाएंगे नहीं, या उनको लग रहा होगा 0.5 नॉन रिपीटिंग है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप देखो क्या इसके बाद जीरो रिपीट नहीं है, बिल्कुल जीरो रिपीट है। तो ये भी रिपीटिंग डेसिमल है, ये भी रिपीटिंग डेसिमल है, और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। आप मुझे बताओ क्या मैं इन जीरो को हटा सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल हटा सकता, कोई महत्व नहीं। क्या मैं इस तीन को हटा सकता हूं, हाँ हटा सकता हूं, लेकिन उसके लिए फिर मुझे इस पे बार लगाना पड़ेगा। इसको हटा सकता हूं, नहीं हटा सकता, कोई तरीका नहीं हटाने का। इसका मतलब है कि जो डेसिमल रिपीटिंग होगा वो टर्मिनेटिंग भी होगा। टर्मिनेटिंग का मतलब है जिसे समाप्त किया जा सकता है, टर्मिनेटिंग, जिसे समाप्त किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा दिस मेट्रो टर्मिनेट्स हियर, मतलब यहां पे समाप्त होती है, तो वहीं से टर्मिनेट लिया गया है। टर्मिनेटिंग का मतलब जिसको हम समाप्त कर सकते हैं, और जो नॉन रिपीटिंग होगा जैसे ही है उसको हम समाप्त नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग है, खत्म नहीं किया जा सकता उसको, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो आप बताओ जो भी डेसिमल रिपीटिंग था टर्मिनेटिंग था उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5/10 लिख सकता हूँ इसको मैं। आपको पता होगा जब हम बार हटाते हैं तो 3 आ जाता है। जिन लोगों को नहीं पता मैं अभी सिखाऊंगा, हो सकता है आज की वीडियो में ही बताऊं कि हम ये बार कैसे हटाते हैं। इसको नहीं लिख सकते, क्या हम इसे लिख सकते हैं ऐसे?
तो आपने देखा कि जो डेसिमल रिपीटिंग है टर्मिनेटिंग है उसको मैं लिख सकता हूं कैन बी रिटन एज इन पी वाई क्यू फॉर्म, मतलब उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसका मतलब है, यहां से अब आपको एक बात याद आ गई होगी कि जो डेसिमल रिपीटिंग होगा टर्मिनेटिंग होगा उसको हम बोलेंगे रेशनल नंबर, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर, इट इज कॉल्ड रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर का मतलब परिमेय संख्या, रेशनल नंबर को हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या। जो भी डेसिमल रिपीटिंग है टर्मिनेटिंग है उसको हम बोलेंगे कि वो रेशनल नंबर होता है, जो डेसिमल नॉन रिपीटिंग है नॉन टर्मिनेटिंग है उसको हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर हिंदी में कहते हैं अपरिमेय संख्या। नंबर का क्लासिफिकेशन जब तक नहीं जानोगे, जब तक यही नहीं पता है नंबर कितने टाइप के होते हैं, नंबर क्या है, कितने छोटे छोटे से सवाल इसी बात पे आ जाते हैं भाई ये अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या, तो कोई मतलब नहीं है नंबर सिस्टम पढ़ने का। नंबर सिस्टम का मतलब यही है, पहले नंबर जाने कितने होते हैं, फिर उनको कैसे रिलेट करेंगे, क्या क्या उससे कंक्लूजन निकाल सकते हैं, सारी चीजें सीखेंगे। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि भाई जो डेसिमल रिपीटिंग होगा टर्मिनेटिंग होगा उसको हम पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए वो क्या कहलाएगा परिमेय संख्या। जो नॉन रिपीटिंग है वो टर्मिनेटिंग नहीं होता, जैसे पाई का मान टर्मिनेटिंग नहीं है, पाई के मान की इतनी मोटी किताब आती है, जो भी इंसान पाई का मान जितने ज़्यादा डिजिट तक याद करता है उसको हम मेमोरी किंग कहते हैं। जैसे आपने देखा होगा हमारे इंडिया के ये कृष्ण चहल, उन्होंने 43,000 डिजिट तक पाई का मान याद किया, उनको मेमोरी किंग का किताब मिला, उससे ज़्यादा तो अभी 75,000 का रिकॉर्ड बन चुका है। आप भी अगर पाई का मान 80,000-90,000 तक याद कर सकते हैं तो अगले मेमोरी किंग आप ही होंगे। ठीक है, आपसे एक मोबाइल नंबर तो याद होता नहीं है, पाई का मान याद कर गए। ठीक है, तो अगर हम रेशनल नंबर में रखना चाहें तो किस किस को रख सकते हैं, आप एग्जांपल थोड़े से इसके लिख लो। जैसे रेशनल नंबर में हम रख सकते हैं भाई 0.6, 0.13 पे बार, 4/5, ये सब क्या है रेशनल नंबर है। जैसे ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है लोगों को, जैसे एक सवाल भी आया है एक एग्जाम में कि 22/7 क्या है और पाई क्या है, तो मैं बता देता हूँ 22/7 रेशनल नंबर है क्योंकि हम इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख पा रहे हैं, जबकि पाई क्या है इरेशनल नंबर है। अब कुछ लोगों को इसमें ये लगे यार ऐसा कैसे हो गया, तो मैं बता देता हूँ 22/7 जब आप भाग करोगे तो 7-8 डिजिट के बाद रिपीट होना शुरू हो जाएगा, जबकि पाई का मान कभी रिपीट नहीं होता। इसका मतलब है कि 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। 22/7 पाई की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। तो पाई क्या है इरेशनल नंबर है। और अगर इरेशनल नंबर का एग्जाम्पल लिखना चाहें, 2, √3, 0.23456712397, जो डेसिमल रिपीट नहीं हो रहा नॉन रिपीटिंग है वो सब क्या है इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर पे एक बेसिक सा सवाल क्या बन जाता है, आपने देखा होगा कई बार ये पूछ लेता है कि भाई ए और बी के बीच में एक रेशनल नंबर बताओ, ए और बी के बीच में एक इरेशनल नंबर बताओ, तो इस पे एक छोटा सा सवाल बन सकता है, उसके बाद हम इंटीजर पे आएंगे। समझ पा रहे हैं भाई सभी बच्चे, बात क्लियर है एकदम? ठीक है, क्योंकि आप समझ पाए, मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप इसका फ़ायदा उठाएं, और जो जो भी चीज़ें आपको नहीं आती हैं उतने अच्छे से आपको नहीं पढ़ाई गई तो आप सीख पाएँ। ठीक है, और ये सबके लिए, चाहे वो टीचर्स हैं चाहे वो स्टूडेंट है कोई भी है। ठीक है, दो छोटी छोटी सी बात और लिखेंगे, क्या बातें होंगी वो, जैसे ए और बी के बीच बिटवीन, मतलब रेशनल नंबर बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच परिमेय संख्या। लेकिन कई बार पता है मुद्दा ये फंसता है, मैं ये लिखा देता हूँ कि एक परिमेय संख्या की बात करें तब तो हम आसानी से निकाल देते हैं ए प्लस बी बाई टू, लेकिन अगर ऐसा हो कि वो ऑप्शन में मैच ना करें तो आप एक सीधा लिख लीजिए कि भाई ए के प्लस बी अपॉन के प्लस, जहाँ के क्या होगा, वेयर के बराबर 1, 2, 3 चलता रहेगा। जैसे अगर मैं पहली रेशनल नंबर की बात करूं तो के को 1 रख दूंगा, पहला रेशनल नंबर आ जाएगा इनके बीच में ए प्लस बी बाई टू। अगर ये ऑप्शन में नहीं मिलता तो के 2 रखेंगे, 2 रखने पे क्या आ जाएगा 2a + b/3 हो जाएगा, 3 रख देंगे 3a + b/4 हो जाएगा। इस तरीके से हम बहुत सारे दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अपरिमेय संख्या की बात कर लेते हैं कि भाई अपरिमेय संख्या क्या क्या हो सकती है उनके बीच में, मिटा दें इसको, मिटा देते हैं।
बहुत एफर्ट डालने हैं मुझे टीचिंग में, ऑनलाइन टीचिंग में। मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो यहाँ तक नहीं आ सकते उनको हम फ़ायदा पहुँचा पाएँ। मुझे सच में नहीं पता था, मैं तो इतना घूमा नहीं हूँ, कि लोगों को हमारी इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। ये बात मुझे पता ही नहीं थी। जब मैंने चैनल बनाया, गवर्नमेंट जॉब अकेडमी हमारा चैनल था, तो उससे भी हमने देखा कि कुछ भी सब्सक्राइबर नहीं, लेकिन जब मैंने वीडियो डालना शुरू किया इतने सारे लाखों लोग जुड़ गए हमसे, इतना ज़्यादा लोगों को नीड है। तो इसलिए मुझे ये एक्सक्लूसिव अभिनय मैश चैनल बनाना पड़ा। ठीक है, आप सब्सक्राइब करिए, लोगों को भी बताइए कि भाई इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, अच्छा पढ़ाया जा रहा है, ये बोलना पड़ेगा। देखो अपने बारे में मैं कैसे बताऊं, आपने तो देख ही लिया जितना मैंने बताया। लोग भी बहुत ज़्यादा अपोज कर रहे हैं कि भाई नहीं 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 ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, तो हम पूरा मैथ सिखाएंगे, दिखाएंगे। देखो मैथ्स ये होता था, आप क्या समझ रहे थे, आपने मैथ्स को बीच में से पकड़ लिया था, जबकि मैथ्स बीच से पकड़ने की चीज़ नहीं है। मैथ्स गॉड गिफ्टेड है, और मैं उस ईश्वर को धन्यवाद देता हूँ जिसने मुझे इतनी सारी मैथ्स सिखा के भेजा है। ठीक है, इसमें मेरा कुछ भी क्रेडिट नहीं है, ये सब उस ईश्वर की कृपा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बात मैं बताने जा रहा था, ए और बी के बीच में अगर अपरिमेय संख्या की बात करें, इरेशनल नंबर की बात करें, अपरिमेय संख्या, तो वो होगी अंडर रूट ए बी। ठीक है, अंडर रूट ए बी हो सकती है, क्यूब रूट ऑफ ए बी हो सकती है, ऐसे वो चलता रहेगा। ठीक है, जरूरी है कि ऐसा ना हो कि ए चार और बी नौ हो जाए, तब नहीं बन पाएगा, तब फिर हम क्यूब रूट ऑफ ए बी लगा देंगे। मतलब अंडर रूट नहीं निकलना चाहिए, अंडर रूट रहना चाहिए। जैसे दो और तीन के बीच में अगर कोई पूछता है, तीन और दो के बीच में, तीन और दो के बीच में रेशनल इरेशनल नंबर की बात होती है, तो वो होगा अंडर रूट ऑफ 2 × 3 बराबर रूट 6। तो हमने जाना आज, ये पता लगा हमें कि रेशनल नंबर क्या है, रेशनल नंबर क्या है। अभी तक हम यही जानते थे कि भाई जिसको पी वाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, तो ये डेसिमल से बनी टर्म। रेशनल और इरेशनल नंबर जो है ये डेसिमल से पता चला कि कौन सा डेसिमल रिपीटिंग है, नॉन रिपीटिंग है, उसके बेस पे हमने डिसाइड किया कि कौन सा नंबर रेशनल है इरेशनल है। अब बात करते हैं इंटीजर्स की। अभी हम पढ़ रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में और क्या क्या है, सारे टाइप के नंबर हम सीखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इंटीजर्स की। तो जितने भी इंटीजर्स हैं, ये आप लिख लीजिएगा, कई बार स्टेटमेंट फॉर्म में भी चीज़ें पूछी जाती हैं। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। तो ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जितने भी इंटीजर हैं वो सारे के सारे क्या हैं, रेशनल नंबर हैं, परिमेय संख्या हैं। सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, इसका मतलब है हिंदी में। आप कुछ लोगों को तो यही अभी तक नहीं पता होगा कि भाई जीरो पूर्णांक है नहीं, तो ये सारी चीज़ें तो आपको जाननी है, बेसिक सी। बिल्कुल सही बात है, जीरो पूर्णांक है। कैसे, तीन पार्ट में हम इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या क्या होंगे वो पार्ट, एक तो पॉजिटिव इंटीजर, धनात्मक पूर्णांक क्या होता है, धनात्मक पूर्णांक, एक जीरो और एक नेगेटिव इंटीजर। इसका मतलब ये पता चला कि भाई ऋणात्मक पूर्णांक, इसका मतलब पता चला कि जीरो पूर्णांक तो है लेकिन पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं। जीरो एक न्यूट्रल इंटीजर है, जिसको हम सम पूर्णांक भी बोलते हैं। आगे भी मैं ये भी बताऊंगा कि जीरो सम संख्या होती है। तो जीरो क्या है, इंटीजर है लेकिन वो पॉजिटिव या नेगेटिव इंटीजर नहीं है। ये हमने इंटीजर का क्लासिफिकेशन देखा, इतनी सी बात लिख लीजिए। जैसे मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव इंटीजर को, शुरुआत कर सकता हूँ 1, 2, 3, 4 और इन्फाइनाइट तक। तो ये जितने भी पॉजिटिव इंटीजर होते हैं इसको हम कहते हैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसका मतलब है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर का मतलब है कि भाई ये प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। प्राकृतिक संख्याओं का मतलब ये संख्या हमें प्रकृति से मिली, प्राकृतिक संख्या। आपको पता है ये यही संख्याएं जो हमें प्रकृति से मिली हैं, बाकी सारी संख्याएं जीरो को आर्यभट्ट ने बाद में खोजा। ठीक है, ये सारी संख्या हमें किससे मिली है, प्रकृति से। भगवान राम के ज़माने में जीरो बिल्कुल भी नहीं था। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा फिर रावण के 10 सिर कैसे थे, तो मैं बता देता हूँ, रावण के 10 सिर ऐसे थे, 10, ये रावण के 10 सिर थे। ठीक है, तो उस टाइम पे जीरो नहीं था। अगर हम इसको जीरो को भी इसमें शामिल कर लें, अगर हम ऐसा सेट बना देते हैं जीरो को भी शामिल करके, 0, 1, 2, 3 इन्फाइनाइट तक, तब हम कहेंगे ये सेट ऑफ होल नंबर है। कुछ लोग कहते हैं जीरो कुछ नहीं है, होल नंबर है, ऐसा नहीं। जीरो इन सबके साथ मिलके होल नंबर बनाती है। ये सारी की सारी संख्याएं पूर्ण संख्या है, लेकिन ये समुच्चय है उनका,
ना कि कोई पर्टिकुलर संख्या, एक पूर्ण संख्या। आप कह दो जीरो को आप कह देते हो होल नंबर, एक को क्यों नहीं कहते, एक भी तो आ रहा है इसमें। तो ऐसा नहीं जीरो होल नंबर है, जीरो को जब हम नेचुरल नंबर के साथ इंक्लूड कर लेते हैं तो ये बन जाता है सेट ऑफ होल नंबर, पूर्ण संख्याओं का समूह। जीरो अकेले पूर्ण नहीं है, हमेशा ध्यान रखना जीरो होल नंबर है, कुछ भी बोल देते हैं, सेट ऑफ होल नंबर्स, पूर्ण संख्याओं का समूह। होल नंबर का मतलब हिंदी में पूर्ण संख्या, ठीक है। इतनी सी बात हमने समझी जीरो क्या है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर नेगेटिव इंटीजर को लिखना चाहें तो इतना लिख सकते हैं भाई, माइनस इनफाइनाइट से माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन तक जाएगा लास्ट, उसके बाद जीरो आ जाता है। ये सारे इंटीजर्स हैं, ठीक है। आगे बढ़े, अगर हम इंटीजर्स का एक क्लासिफिकेशन और देखें, छोटा सा एक क्लासिफिकेशन और देख रहे हैं इंटीजर्स का, ये मैं मिटा रहा हूँ सिर्फ, बाकी आप कॉपी कर लीजिएगा रोक के वीडियो को। अगर इंटीजर्स का एक क्लासिफिकेशन और देखें तो इंटीजर्स का क्लासिफिकेशन है इवन नंबर, जिसको हम कहते हैं सम संख्या, और एक ऑड नंबर जिसको हम कहते हैं विषम संख्या। तो आप मुझे बताओ क्या सारे इंटीजर इवन ऑड में आ जाएंगे या कोई बच जाएगा? जैसे जीरो बच जाएगा क्या? बिल्कुल भी नहीं बचेगा। जीरो एक इवन नंबर है। कैसे जीरो एक इवन नंबर है? इवन नंबर की डेफिनेशन होती है नंबर इज डिविजिबल बाय टू। जो भी संख्या दो से कटती है वो सारी की सारी इवन नंबर है, सारी की सारी इवन संख्या है। कुछ लोगों को यहाँ पे ये डाउट आ जाता है कि यार जीरो तो तीन से भी कटता है, तो मैं तो बिल्कुल मान रहा हूँ जीरो तीन से कटता है, लेकिन ये किसने कहा कि जो तीन से कटता है वो इवन नंबर नहीं है? छः भी तो तीन से कटता है और छः इवन नंबर है, बताओ कटता है कि नहीं कटता? जीरो सात से कटता है, चौदह भी सात से कटता है, इवन नंबर है। तो ऑड नंबर की डेफिनेशन में कहीं ये नहीं लिखा कि जो तीन से कटेगा वो ऑड है। ऑड नंबर की डेफिनेशन सिर्फ इतनी है कि नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई, नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई टू। मतलब जो भी संख्या जो दो से नहीं कटती वो सब की सब क्या है? ऑड नंबर है। लेकिन जीरो दो से कटता है इसलिए जीरो इवन नंबर है। आप इस तरीके से भी देख सकते हो कि जब मैं लिखना स्टार्ट करूं माइनस इन्फिनिटी चीज़ें, तो माइनस फोर, आपको पता होगा जो इवन ऑड की सीरीज होती है वो दो दो के गैप पे होती है, ठीक है। तो माइनस फोर के बाद अगर मैं दो ऐड करता हूं तो क्या आएगा? माइनस टू। फिर अगर मैं दो ऐड करता हूं तो जीरो आ जाएगा। आप जीरो को कैसे मिस कर सकते हो? नहीं तो माइनस टू से सीधे दो लिख देंगे क्या? तब तो सीरीज बनी नहीं रही दो दो के गैप पे, फिर तो सीरीज ही गलत हो जाएगी। तो माइनस दो के बाद जीरो आएगा, फिर दो आएगा, उसके बाद चार और फिर इन्फाइनाइट, ठीक है। ये सब क्या है? सम संख्या है। अगर मैं विषम संख्या की बात करूँ तो माइनस इन्फाइनाइट, माइनस तीन, माइनस एक, एक, तीन, इन्फाइनाइट, ये सब क्या है? ऑड नंबर। ऑड नंबर की सीरीज आप देख सकते हो, माइनस एक में अगर दो ऐड करेंगे तो एक आएगा। अगर इसके अलावा भी आपको लगता है और डाउट लगता है कि भाई जीरो इवन है या नहीं या ऑड है, तो मैं और एक तरीके से क्लियर कर देता हूँ। दो तरीके से मैंने समझाया कि नंबर इज डिविजिबल बाय टू इसलिए जीरो इवन नंबर है, और जो दो से नहीं कटती वो सारी की सारी ऑड संख्याएं। एक मैंने बताया कि भाई सीरीज खराब हो जाएगी, दो दो के गैप पे होता है, तो माइनस दो के बाद डायरेक्ट दो नहीं आ सकता, पहले जीरो को आना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद एक और आपने जैसे इवन ऑड की प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होंगी, क्या प्रॉपर्टी आपने इवन ऑड की पढ़ी होंगी कि अगर मैं किसी दो इवन नंबर को जोड़ता हूँ तो मुझे इवन मिलना चाहिए, अगर मैं किन्हीं दो ऑड नंबर को जोड़ता हूँ तो मुझे ऑड मिलना चाहिए, और अगर मैं किसी इवन या ऑड नंबर को जोड़ता हूँ तो मुझे ऑड मिलना चाहिए। नहीं, ऑड ऑड को अगर हम जोड़ते हैं तो इवन मिलना चाहिए, ऑड ऑड को अगर हम जोड़ रहे हैं तो इवन मिलना चाहिए, ठीक है। तो अब आप देखो कि मैंने पहले ये मान लिया कि भाई जीरो ऑड नंबर, मैंने आपके कहने पे मान लिया जीरो ऑड नंबर, ठीक है। तो आप बताओ अगर मैं दो इवन नंबर को जोड़ रहा हूँ, एक तो दो और एक माइनस दो, तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। और आना क्या चाहिए था? ऑड आना चाहिए था और आ रहा है इवन, या इवन आना चाहिए था ऑड आ रहा है, क्योंकि जीरो को तो हमने ऑड माना हुआ है, इसका मतलब पहली प्रॉपर्टी गलत है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, अगर मैंने जीरो को ऑड माना है और मैं तीन के साथ ऐड करता हूं तो ये तीन आ जाएगा, आना इवन चाहिए था, ये वाली प्रॉपर्टी भी गलत हो गई। अगर मैंने जीरो को ऑड माना है, चार के साथ जोड़ता हूं, चार आना चाहिए था, ऑड आना चाहिए था, चार आ रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी भी गलत हो गई। तो आपने देखा कि जब मैंने जीरो को ऑड माना तो सारी प्रॉपर्टी गलत हो गई, एक भी प्रॉपर्टी सही नहीं है जिसको आप सही मानते हैं सारी प्रॉपर्टी। अब बात कर लेते हैं जीरो को इवन मान लेते हैं, अब जीरो को इवन मान लेते हैं तब देखते हैं ये प्रॉपर्टी सही है या नहीं। आप देखिए जीरो प्लस चार क्या आ जाएगा? चार, आना भी इवन चाहिए था, आया भी इवन है, पहली प्रॉपर्टी से।
अगर तीन और माइनस तीन को ऐड कर रहा हूँ जीरो, इवन आना चाहिए था, इवन ही आ रहा है, ये प्रॉपर्टी भी सही। अगर जीरो प्लस तीन ऐड कर रहे हैं, तीन आ रहा है, और आना चाहिए था, आना आ भी ऑड रहा है, ये प्रॉपर्टी भी सही। तो आपने देखा जीरो को इवन मानने पे सारी प्रॉपर्टी सही है। अब तो आप मान लीजिए कि जीरो एक इवन नंबर है, आप अलग से जीरो के बारे में लिख लीजिए, अलग से जीरो के बारे में लिखिए कि जीरो इवन इंटीजर है, ये बात पूछी जा सकती है। जीरो एक सम पूर्णांक है, जीरो एक सम पूर्णांक है, ये बात पूछी जा सकती है। तो यही मैं बता रहा था कि कुछ लोगों को यही नहीं पता कि जीरो इवन है या इंटीजर है, तो आज के बाद आप याद रखेंगे जीरो एक इवन इंटीजर है, ठीक है। अब हम आते हैं वापस से पॉजिटिव इंटीजर के क्लासिफिकेशन पे। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है? पॉजिटिव इंटीजर देखें, जैसे पॉजिटिव इंटीजर क्या है, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स के क्लासिफिकेशन की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। देख पा रहे हैं मुझे? देख पा रहे हैं लोग? ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या हैं, जो अभी हमने लिखा, धनात्मक पूर्णांक क्या हैं, इसका हम तीन तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, एक दो तीन। सबसे पहले प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर का मतलब अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या। दूसरा कंपोजिट नंबर। तीसरा भी आपको खुद पता चलेगा कि कौन सा नंबर है जिसको हम पॉजिटिव इंटीजर में रखते हैं और जो ना प्राइम है ना कंपोजिट है। कंपोजिट का मतलब भाज्य संख्या। भाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर का मतलब है कि जो संख्या नंबर हैविंग, अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स। नंबर हैविंग ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, यदि किसी संख्या के केवल और केवल दो फैक्टर्स हैं। ओनली एंड ओनली का मतलब है ना तो दो से ज्यादा ना दो से कम। कौन कौन से होने चाहिए वो दो फैक्टर? एक तो वन और एक नंबर इटसेल्फ। इटसेल्फ का मतलब होता है इट का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एक संख्या खुद और एक जिसके दो फैक्टर होंगे वो संख्या प्राइम नंबर कहलाएगी। अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स। नंबर हैविंग मोर देन टू फैक्टर्स जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे अगर हम प्राइम नंबर की बात करें तो प्राइम नंबर को हम क्या एक से शुरू कर सकते हैं? क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर्स को तो हमने बोला ही था कि भाई एक से शुरू होंगे, एक दो तीन और इन्फाइनाइट तक। तो एक के साथ इशू क्या है कि एक का एक ही फैक्टर है। अगर दो होते तो मैं कह देता प्राइम नंबर है, अगर दो से ज्यादा होते तो मैं कह देता कंपोजिट नंबर है। एक का लेकिन केवल और केवल एक फैक्टर है। तो एक क्या है, अगर एक की बात करें तो वन इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। अगर हम एक की बात करें तो ना तो एक अभाज्य संख्या और ना ही भाज्य। एक को ना हम कभी प्राइम नंबर में रखते हैं ना ही कभी कंपोजिट नंबर में रखते हैं। तो ऐसा सवाल पूछा जा सकता है कि वन क्या है? वन नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। ठीक है। अब फिर प्राइम नंबर की शुरुआत कहां से होगी? प्राइम नंबर की शुरुआत होगी जैसे सबसे पहले दो प्राइम नंबर आ जाएगा, तीन प्राइम नंबर आ जाएगा, पांच प्राइम नंबर, सात और चलता रहेगा। आपने देखा होगा 2014 में सिर्फ इतना सा सवाल पूछ लिया गया था कि स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है? सबसे छोटा प्राइम नंबर है दो। दो की एक और खासियत है कि दो इवन है। आगे आने वाली ऐसी कोई संख्या इवन नहीं होगी जिसका दो फैक्टर हो, उसका दो भी होगा, खुद भी होगी, चार भी होगा। जैसे चार को ही अगर ले लें तो चार का फैक्टर दो भी है, एक भी है। तो दो एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि प्राइम भी है। तो दो के आगे ये भी लिख लीजिए कि दो टू इज एन इवन प्राइम नंबर। दो एक सम अभाज्य संख्या है। दो एक सम अभाज्य संख्या है। दो क्या है? दो एक सम अभाज्य संख्या है। और आपको क्या क्या बात यहां पे पता होनी चाहिए? इतनी सी बात भी पेपर में पूछी जा सकती है कि भाई एक से पचास तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। एक से पचास तक 15 प्राइम नंबर होते हैं। 50 से 100 तक 10 प्राइम नंबर होते हैं।
10 प्राइम नंबर होते हैं, 1 से लेके 100 तक 25 प्राइम हो जाएंगे। तो कभी ये बात पूछी जा सकती है कि भाई 1 से 50 तक कितने प्राइम है, 50 से 100 तक कितने, 1 से 100 तक कितने, ठीक है। प्राइम नंबर हम कैसे पता करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं दे दे, 1001 दे दे, ये मैं आपको कॉमन फैक्टर में सिखाऊंगा कि कॉमन फैक्टर से कैसे हम बड़ी बड़ी संख्याओं को ये पता करेंगे कि वो प्राइम है या नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगर कंपोजिट नंबर की बात करें तो कंपोजिट नंबर की शुरुआत 4 से हो जाएगी, 4, 6, 8 ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है, ठीक है। प्राइम के बारे में 2-3 बातें और सीख लीजिए बस, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर खत्म हो जाएगा, ठीक है, मिटा देते हैं। बहुत बारीक बारीक सी बातें बताता हूँ कुछ, जो कि बहुत सारी किताबों में भी ठीक से उस चीज़ को नहीं एक्सप्लेन किया गया, और उसकी वजह भी है क्योंकि लोग रिलेटिवली प्राइम के बारे में नहीं जानते, इसलिए उनको लगता है कि जो रिलेटिवली प्राइम है वही को प्राइम है, जबकि ऐसी बात नहीं है। आप 3 चीज़ें यहाँ पे देखेंगे, एक तो रिलेटिवली प्राइम क्या है, सवाल भी आया SSC में, रिलेटिवली प्राइम क्या है। रिलेटिवली प्राइम को मेरे हिसाब से सापेक्षित संख्या इसकी हिंदी होनी चाहिए, लेकिन जब SSC ने सवाल पूछा था तो इसकी हिंदी दी थी अपेक्षित अभाज्य संख्या। अपेक्षित अभाज्य संख्या क्या होती है, सेट ऑफ टू नंबर हैविंग HCF बराबर। ऐसी कोई भी दो संख्या चाहे वो प्राइम है या नहीं है, अगर उनका HCF एक है तो हम बोलेंगे कि वो रिलेटिवली प्राइम नंबर है। जैसे 1, 3, एक इसमें प्राइम नहीं है लेकिन ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है। 9, 25 दोनों में से कोई भी प्राइम नहीं है लेकिन फिर भी ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है, क्योंकि रिलेटिवली प्राइम नंबर वो दो नंबर होंगे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, जिनका HCF 1 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक को प्राइम क्या है, फिर को प्राइम की डेफिनेशन ही हम ये समझ लेते हैं कि HCF 1 है, जबकि ऐसा नहीं है। सह अभाज्य संख्या को प्राइम नंबर सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, कोई भी दो प्राइम नंबर है सेट ऑफ टू प्राइम नंबर, जिसको हम क्या कहते हैं कि भाई वो को प्राइम नंबर है, ठीक है। जैसे 2, 3, 5, 7 ये सब क्या है, को प्राइम नंबर है। मैंने यहां पे ये नहीं लिखा कि HCF 1 होना चाहिए, क्योंकि आप खुद समझिए कि अगर कोई भी दो प्राइम नंबर है तो उनका HCF 1 होगा ही होगा, ये बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो को प्राइम नंबर में ये कह सकते हैं कि एवरी को प्राइम इज रिलेटिवली प्राइम नंबर, जितने भी को प्राइम नंबर हैं वो सारे के सारे क्या होंगे, रिलेटिवली प्राइम नंबर होंगे। इसके बाद एक बात प्राइम पे और पूछी जा सकती है कि भाई ट्विन प्राइम क्या होते हैं, तो ट्विन प्राइम के बारे में लिख लीजिए थोड़ा सा, और एक रिलेटिवली प्राइम पे हम सवाल करते हैं, पेपर में पूछा हुआ, ठीक है। ट्विन प्राइम्स क्या होते हैं, ट्विन प्राइम्स, TWIN प्राइम्स, ट्विन का मतलब ही देखो दो से होता है, तो ऐसी दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है, सेट ऑफ टू प्राइम नंबर हैविंग डिफरेंस टू। ऐसे कोई भी दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस 2 है उसको हम कहते हैं ट्विन प्राइम्स है। जैसे 5, 7, 11, 13 ये सब क्या है, ट्विन प्राइम्स हैं। 17, 19 ये सब क्या है, ट्विन प्राइम्स, ठीक है। तो रिलेटिवली नंबर पे एक छोटा सा सवाल लिख लीजिए, रिलेटिवली नंबर पे सवाल आते हैं, क्या है छोटा सा सवाल, मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। बस क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में 2-3 मिनट की बातें और बची जो मुझे बतानी। इफ एक सवाल लिख लीजिए पेपर में आया हुआ, इफ P and Q are 2 relatively prime number, if P and Q are 2 relatively prime number, यदि P और Q, हिंदी वाले भी लिख लें, यदि P और Q दो अपेक्षित अभाज्य संख्याएं इस प्रकार हैं, such that
such that p plus q बराबर 10 एंड p लेस देन q, ये दिया हुआ है कि p और q का जो जोड़ है वो 10 के बराबर है और p लेस देन q है, ठीक है। तो हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल फॉर p कॉमा q, हाउ मेनी पेयर आर पॉसिबल फॉर p कॉमा q, p और q के कितने युग्म संभव है ये हमें बताना है, ठीक है। तो करते हैं इस सवाल को, जैसे इसने बोले कि भाई p प्लस q बराबर 10 है, 10 है, आप मुझे बताओ p और q अगर 10 के बराबर है और p छोटा है q से तो क्या क्या वैल्यू पॉसिबल है p और q की, जैसे 1 और 9, 2 और 8, 3 और 7, 4 और 6, यही वैल्यू पॉसिबल है। इससे आगे तो p बराबर हो जाएगा जबकि सवाल में दिया हुआ है कि p छोटा है q से। अब अगर हम पेयर की बात करें तो 1 और 9 को ले सकते हैं, देखो बिल्कुल ले सकते हैं, क्यों ले सकते हैं 1 और 9 को, क्योंकि 1 और 9 में कुछ भी कॉमन नहीं है, एस सी एफ 1 है, इसका मतलब ये रिलेटिवली प्राइम नंबर है। अगर 2 और 8 की बात करें तो नहीं ले सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसका एस सी एफ 1 नहीं 2 है। 3 7 का एस सी एफ 1 है, 3 7 में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसको ले सकते हैं। 4 6 में 2 कॉमन है, नहीं ले सकते। तो सिर्फ और सिर्फ 2 पेयर संभव है। कुछ लोगों को यहाँ पे डाउट हो जाता है कि यार p कॉमा q, q कॉमा p, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन सवाल में खुद दिया हुआ है कि भाई p छोटा है q से। अगर नहीं भी दिया होता, अगर हमें पेयर ही छांटने होते तो भी हम 1,9 और 9,1 को एक ही मानते हैं। आप खुद बताओ, चाहे दुल्हन इधर खड़ी रहे चाहे दूल्हा इधर ही खड़ी रहे, जोड़ा तो एक ही होगा ना। तो 1 और 9, 9 और 1 एक ही बात होती है, जबकि यहाँ तो स्पेसिफाई किया है कि p छोटा है q से। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर में लास्ट बार परफेक्ट नंबर क्या होता है, इस बार भी दिल्ली मेट्रो के एग्जाम में परफेक्ट नंबर पे सवाल आया, तो परफेक्ट नंबर क्या होता है ये हम जानेंगे। मिटा दें इसको, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दें हसरतों को आपकी, फिर कोई चाहत बाकी ना रहे, ऐसा दीदार करा दें आंखों को, देखना कुछ बाकी ना रहे, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। परफेक्ट नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर, परफेक्ट नंबर को हिंदी में कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या कहते हैं परफेक्ट नंबर को हिंदी में, ठीक है। पूर्ण संख्या का मतलब है कि इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज इक्वल टू ऑरिजिनल नंबर, यदि किसी संख्या के सभी गुणनखंडों का जोड़ संख्या के बराबर हो, लेकिन ये शर्त है कि हमें उस नंबर को अलग करना पड़ेगा, एक्सक्लूडिंग नंबर, एक्सक्लूडिंग नंबर, ठीक है। इफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ ए नंबर एक्सक्लूडिंग नंबर इज इक्वल टू द ओरिजिनल नंबर, देन नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर। तो मैं यही बता रहा था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज परफेक्ट नंबर, तो हमारे दिमाग में तुरंत पता है क्या आ जाता है, यार 9 पे टिक कर दे, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। जबकि परफेक्ट स्क्वायर उसने नहीं पूछा, उसने पूछा है कि परफेक्ट नंबर क्या है, और परफेक्ट नंबर ये होता है कि किसी भी नंबर के आप सारे फैक्टर कर लो, जैसे 6 के चेक करना है मुझे, मैंने सारे फैक्टर किए 1 2 3 6, तो 6 को निकाल के एक्सक्लूड करके 6 हमने हटा दिया, इन सबका सम अगर 6 के बराबर आ जाता है तो नंबर परफेक्ट नंबर होगा। 3 और 2 5 और 1 6, इसका मतलब 6 एक परफेक्ट नंबर है। ऐसा सारे नंबर के साथ नहीं होगा, आप चेक कर लो। 9 की अगर बात करें तो 1 3 और 9, तो 3 और 1 का सम तो 4 ही हो रहा है, 4 हो रहा है, जो कि 9 के बराबर नहीं है, इसका मतलब 9 एक परफेक्ट नंबर नहीं है। जैसे अगर एक और नंबर चेक करके बता देता हूँ, अगर हम 28 की बात करें तो 28 के फैक्टर क्या हैं, 1 2 4 7 14 28। अब अगर हम 28 को हटा दें तो क्या होगा, 14 और 7 21 और 4 25 और 3 28, 28 आ गया, इसका मतलब 28 एक परफेक्ट नंबर है, 28 एक परफेक्ट नंबर है, पूर्ण संख्या है 28 एक। तो कभी भी अगर परफेक्ट नंबर पे सवाल आता है तो आपके दिमाग में रहना चाहिए कि पहले हम उस नंबर के सारे फैक्टर करेंगे, और वो जो नंबर है उस फैक्टर को हटा के अगर बाकी का सम नंबर के बराबर आता है, इसका मतलब वो नंबर परफेक्ट नंबर है।
तो नंबर के क्लासिफिकेशन में इतना ही था, अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे, ठीक है। तब तक आप ख्याल रखिए, खुश रहिए, और जो भी आपको डाउट्स हैं वो सारी चीज़ें भी मैं क्लियर करूंगा। वैसे मैं पढ़ाऊंगा इस तरीके से, चाहे जो भी मैं टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, ज्योमेट्री से लेकर कुछ भी, कि मैं सिर्फ डाउट ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। कुछ भी अलग से नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ डाउट बताऊंगा, जिससे आपके डाउट कम से कम आए। जितनी भी चीज़ें मुझे लगती हैं, इतने साल हो गए पढ़ाते पढ़ाते, कि बच्चा अगर कुछ पूछता है कि ये मेरा डाउट है, तो मुझे पता लग जाता है कि भाई इस स्टेज पे बच्चे को डाउट आ सकता है, सारे बच्चे एक जैसे हैं। तो वो सारी चीज़ें मैं साथ के साथ क्लियर करता रहूँगा। बाकी आप लगातार वीडियो देखते रहिए, ठीक है। अभिनय महेश चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए कि भाई इस तरीके से ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, सारा कंटेंट हमें दिया जा रहा है, इससे चैनल को भी प्रमोशन मिलेगा, लोग जानेंगे कि भाई उनको भी लाभ पहुंचेगा। हमारा मेन मकसद तो यही है कि लोगों को लाभ पहुंचे, ठीक है। बाकी पुराने चैनल पे सारी वीडियो नहीं डल सकती थी, बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, टाइम कोलैप्स कर रहा था, सारे टीचर्स एक ही टाइम पे फ्री हो रहे थे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, नंबर सिस्टम पार्ट 2। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ, बाय बाय, टेक केयर। सब्सक्राइब कीजिए गवर्नमेंट जॉब्स एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए।